ये वो आदमी है जो एक अजूबा है। 42 साल की उम्र में ही इज लीडिंग चेन्नई सुपर किंग्स टू विक्ट्रीज। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। ही इज नॉट अ क्विटर बाय एनी स्टैंडर्ड्स। मैंने उसको कभी भी नेगेटिव नहीं देखा। हिज फादर पास्ड अवे, ही वेंट इन द क्रेमेशन, केम बैक, स्कोर्ड 100। शेर अकेला राजा है। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। लुक एट दिस मैन, फिट एज अ फिडल, विकेट कीपर है जी। 42 साल की उम्र में ही इज लीडिंग चेन्नई सुपर किंग्स टू विक्ट्रीज। इट्स अमेजिंग। इट इज समथिंग व्हिच हैज नॉट बैफल्ड मी। इट इज अ मिरेकल। और चमत्कार है तो नमस्कार है। सोने को तुम आग में डालोगे ना तो कुंदन बन के निकलता है। तो सोना तो सोना है, वो आग में काला नहीं होता। ये वो आदमी है जो एक अजूबा है। द डिफिकल्ट इज डन एट वंस बट द इम्पॉसिबल टेक्स अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर। व्हाट ही हैज डन वो असंभव था मेरी डिक्शनरी। आपने भालू देखे हैं? भालू हाइबरनेशन में 6-6 महीने रहते हैं। दे कम ऑफ, थ्रो अवे द स्किन एंड सडनली दे आर अप रियरिंग बूटेड एंड स्पर्ट। दिस इज लाइक दैट। It's the face of grizzly grits. शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहें। शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहें। अरे जिसको चाहे चीरें फाड़ें, खाएं पिए आनंद करें। मुझे अभी याद है जेटली साहब ने मुझे कहा था कि मैं ऐसा क्रिकेटर नहीं देखा। मैं कह जी की हो गया, हम लोग पंजाबी में बात करते। कहना यार फादर की डेथ हुई। His father passed away. He went into cremation, came back, scored 100. भैया मुझे आज भी याद है, माई फादर पास्ड अवे, 2 महीने मुझे पता नहीं था कहाँ। लुक एट द मेंटल फोर्टिट्यूड ऑफ द गाय, यू लुक एट द चेंज दैट ही इज गॉन थ्रू। मैं उसका नंबर वन एसेट मानता हूं उसका एटीट्यूड, कि उसका एटीट्यूड इतना जबरदस्त है। वी यूज टू कॉल रवि भैया GTU, मतलब गिरे तो भी टांग ऊपर। वो गिरता ही नहीं, किसी हालात में गिरता नहीं। ही इज नॉट अ क्विटर By any standards, मैंने उसको कभी भी negative नहीं देखा। He's always positive. His aggression stems or the confidence that he has, पूरी तरह से आत्म संपर्क में है वो, आत्मविश्वास का एक जीता जागता नमूना है। Number two, you look at the fitness, the longevity. देखो form तो हर आदमी के बाद, it's as temporary as morning dew form. But किस तरीके से वो इंसान 16 कला संपन्न है। और मुझे लगता है कि ही इज फिट फॉर अनदर 4 years। द फीट्स दैट ही इज अचीव, अडेप्टेबिलिटी उसमें सबसे बड़ी चीज है। शेरों के आगे भेड़ें क्या हैं? शेरों के आगे भेड़ें क्या हैं? एक मदमाता खाजा है, बाकी सारी दुनिया प्रजा, शेर अकेला राजा है।